ओम शांति। आश बाबा के 17/1/2021 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिसकी रिवाइज डेट है 14/10/87 की। आश महावाक्य की मुख्य हेडिंग है ब्राह्मण जीवन बाप से सर्व संबंध अनुभव करने की जीवन। ब्राह्मण जीवन जब परमात्मा के बच्चे बने, ब्रह्मा मुख से जब परमात्मा ने हमें अपना बच्चा स्वीकार किया तो हम सभी क्या बन गए? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात पवित्र जीवन, ब्राह्मण जीवन अर्थात परमात्मा से प्राप्त एक वरदानी जीवन है, एक दिव्य जीवन है, जिसको परमात्मा कहते हैं कि बच्चे ये ब्राह्मण जीवन तुम्हारा बहुत वैल्यूबल जीवन है, बहुत अमूल्य जीवन है। तो आज परमात्मा सुना रही हैं कि इस ब्राह्मण जीवन में परमात्मा से सर्व संबंधों का अनुभव हम कैसे करें। अब संबंध तो हम पहले भी भक्ति काल में भी परमात्मा के साथ जोड़े हुए हैं और उसका गायन भी करते आते हैं। तो भक्ति में क्या गायन करते हैं परमात्मा से संबंध के रूप में? तो कहते हैं तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। तो भक्ति मार्ग में भी हमने परमात्मा को जब यथार्थ रूप से नहीं जाना था, उसके यथार्थ रूप का परिचय हमें नहीं था, तब भी हमने उससे संबंध जोड़ा था। लेकिन सिर्फ संबंध जोड़ा था, कभी भी उस संबंध की गहराई में नहीं गए, कभी भी उस संबंध को हम अपने जीवन में अनुभव नहीं किए। सिर्फ हम जब उसे सामने जाते थे, पूजा करने के लिए जब सन्मुख होते थे, सिर्फ उसी समय हम इस महिमा के गीत गाते थे, लेकिन कभी भी उस गीत का ना हमने यथार्थ अर्थ समझा और ना ही हमने उसका कभी अनुभव किया। तो आज परमात्मा से हम कैसे संबंध जोड़े, सारे दिन में किस किस समय कैसे कैसे परमात्मा से किस संबंध में हम उसको अपना बनाएं? तो सारे दिन में परमात्मा से हम किस किस समय किस किस संबंधों के साथ उसके साथ का अनुभव करें? तो आज परमात्मा ने विशेष इस महावाक्य के द्वारा हमें कुछ विशेष पॉइंट को हमारे सामने रखा है। इस महावाक्य की मुख्य पॉइंट है कि ये समय एक विशेष समय है, समय कहें या युग कहें। तो परमात्मा कहते बच्चे आप सभी के लिए ये विशेष युग है, जिसको वरदानी युग भी कहते हैं, बाप और बच्चे के मिलन का युग भी कहते हैं। इसलिए इस युग का नाम ही है संगम युग। संगम युग अर्थात कहते हैं जैसे दो नदियां जब आपस में मिली तो उसको भी क्या कहा? संगम कहा गया है, संगम के नाम से सभी जानते हैं। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं ये संगम का समय अर्थात दो युगों के मिलन का जो समय है उसको संगम का समय कहते हैं, मिलन का समय कहते हैं। तो मिलन भी किसका? तो परमात्मा ने कहा ये संगम के समय पर, इस वरदानी समय पर आत्मा और परमात्मा का एक सुंदर मिलन होता है।
जिसमें आत्मा उस परमात्मा पिता को पहचान कर जान कर उससे अपना संबंध जोड़ कर उससे प्राप्तियों का अनुभव करते हैं और स्वयं की आत्मा को भरपूर बनाते हैं। आगे बाबा ने सुनाया कि हर कदम में भिन्न भिन्न स्मृति का स्वरूप अनुभव करते चलो। हर कदम में क्या कह रहा है बाबा कि हर कदम में भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप का अनुभव करते चलो। आगे बाबा ने सुनाया जैसा समय जैसा कर्म वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करो। जैसा समय जैसा कर्म और जैसा स्वरूप क्या कह रहा है बाबा उसको प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करो, क्योंकि जैसा जो समय होता है उस अनुसार यदि हम कार्य नहीं करते हैं तो फिर हमारी जो कर्म की रूपरेखा होती है वो उस अनुसार नहीं होती है। जैसा समय जैसा कर्म वैसा स्वरूप स्मृति में इमर्ज करो, क्योंकि हर कार्य को करने का एक समय होता है। सुबह से रात तक हर कार्य को करने का एक निश्चित समय होता है, और यदि समय को और अपने कार्य को हम स्मृति में रखते हैं और उसे उस अनुसार करते हैं तभी हम हर कार्य को फलीभूत कर पाते हैं, उसके प्रत्यक्ष स्वरूप बन पाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हर कार्य को कैसे करना है, समय अनुसार करना है, और हर कार्य को करने से पहले स्वयं को एक श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप में स्थित भी करना है। अब वो श्रेष्ठ स्मृति हमारी कैसे है और कैसे हम अपने इस ब्राह्मण जीवन में सुबह से रात तक की दिनचर्या को स्मृति स्वरूप बनकर चलाएं, जिसके लिए आज बाबा ने बहुत विशेष पॉइंट दिया है, जिसके लिए बाबा ने कहा जैसे अमृत वेले दिन का आरंभ होते बाप से मिलन मनाते हैं। अमृत वेले अर्थात ब्राह्मण आत्माओं के लिए यह अमृत वेला क्या है, शुभ वेला है। ये अमृत वेला क्या है, परमात्मा से अमृत वर्षा प्राप्त करने की वेला है, वरदान प्राप्त करने की वेला है, जिसमें परमात्मा कहते बच्चे कैसे इस अमृत वेले को हम फलीभूत करें, कैसे इस अमृत वेले के समय को हम शक्तिशाली बनाएं और उस शक्ति को अपने जीवन में कार्य में लाएं। तो परमात्मा ने सुनाया कि मास्टर वरदाता बन, वरदाता से वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। किस स्वामान में बाबा ने अमृत वेले टिकने के लिए कहा कि मैं कौन हूं, मास्टर वरदाता बन, वरदाता से वरदान लेने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। सोचो कितना श्रेष्ठ भाग्य है हमारा जो स्वयं वरदाता बाप हम आत्माओं को वरदान देकर वरदानी मूरत बना देता है। इतना श्रेष्ठ भाग्य इस संसार में और किसी का हो सकता है? जितने श्रेष्ठ भाग्य की महिमा हम ब्राह्मण आत्माएं करते हैं शायद संसार में कोई भी नहीं करता होगा। तो परमात्मा ने कितना श्रेष्ठ जीवन हमारा बनाया है और कितना श्रेष्ठ भाग्य हमारा लिख रहा है। आगे बाबा ने सुनाया
डायरेक्ट भाग्य विधाता द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं। परमात्मा कैसे दे रहा है? डायरेक्ट दे रहा है। अभी तक भी हम कहते थे भगवान से हमें ये मिलता है, हमें ये मिला, हम जो भी कहते हमें मिल जाता है, लेकिन कैसे मिल जाता था? इनडायरेक्ट मिलता था। जितनी हम कामना रखते थे शायद उतना नहीं मिलता था। तो कभी कभी हमारा भगवान से एक शिकायत भी रहता था कि भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं हैं, कितना भी हम मन्नत मानते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन शायद भगवान के तक हमारी आवाज़ पहुंचती ही नहीं है। तो कल तक जिस रूप से हम भगवान को मानते थे और जैसे याद करते थे और प्राप्ति चाहते थे, वो कौन सी याद थी हमारी? इनडायरेक्ट याद थी, जिसमें हमें कहीं ना कहीं जो प्राप्ति भी होती थी ना, वो भी कैसे होती थी? इनडायरेक्ट होती थी। कहीं ना कहीं उसका थोड़ा हिस्सा कम हो जाता था, क्योंकि जिसके माध्यम से मिलता था तो उसका श्रेय उस माध्यम अर्थात उसके पास भी पहुंच जाता था। लेकिन आज परमात्मा हम बच्चों को इस संगम युग पर जो भी भाग्य प्राप्त करा रहा है, जो भी गुण व शक्तियां हमें दे रहा है, वो कैसे दे रहा है? डायरेक्ट दे रहा है। और उस डायरेक्ट प्राप्ति में हम स्वयं को क्या अनुभव करते हैं? जैसे कि हम इस विश्व में सबसे श्रेष्ठ आत्मा हैं, सबसे भाग्यशाली आत्मा हैं। और सिर्फ भाग्यशाली नहीं है, कौन है? पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है। तो परमात्मा इतना श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए हम बच्चों के लिए आया है, तो अब हम बच्चों को भी परमात्मा के श्रीमत पर चलकर उसके हर ज्ञान को जीवन में अपनाकर अपने श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बाबा ने सुनाया कि श्रेष्ठ स्वरूप को सदा स्मृति में लाओ। किस श्रेष्ठ स्वरूप को? मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। बाबा कहते ये तुम्हारा क्या है? श्रेष्ठ स्वरूप है। जिस श्रेष्ठ स्वरूप को सदा अपने सामने रखना है। क्यों बाबा कहते सदा अपने सामने रखो? क्योंकि बाबा कहते जो चीज सामने होती है वो सदैव हमारी नजर में होती है, सदैव हमारा फोकस उसके ऊपर रहता है। तो हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हैं। बाबा कहते इस स्मृति के स्वरूप को सदा अपने सामने रखना है और उसका आनंद अनुभव करना है। आगे बाबा के विशेष पॉइंट है, वरदानी समय है, वरदाता विधाता साथ है, मास्टर वरदानी बन स्वयं भी संपन्न बन रहे हो और अन्य आत्माओं को भी वरदान दिलाने वाली वरदानी आत्मा हो। वरदानी समय है और वरदाता विधाता साथ है। वरदानी समय भी है और बाबा क्या कह रहा है? और जो दाता विधाता वरदाता बाप है, जिसको प्यार से हम शिव बाबा कहते हैं, वो हम बच्चों के साथ है। तो बाबा कहते ऐसे वरदानी समय पर स्वयं भी वरदानों से संपन्न बनो और अन्य आत्माओं को भी वरदान दिलाने वाली वरदानी आत्मा बनो। स्वयं भी अपने आप को संपन्न बनाना है, क्योंकि जब तक परमात्मा कहते बच्चे स्वयं संपन्न नहीं बनेंगे, तब तक अन्य आत्माओं को भी उस वरदान से संपन्न बनाने के निमित्त नहीं बन सकते, क्योंकि
जो चीज मेरे पास होगी ही नहीं वो फिर हम औरों को देंगे कैसे। तो इसलिए परमात्मा कहते बच्चे एक एक गुण, एक एक शक्तियों को परमात्मा से वरदान के रूप में पहले प्राप्त करो, और सिर्फ प्राप्त नहीं करो, प्राप्त करने के साथ साथ उसके अनुभवी स्वरूप भी बनो। अब अनुभवी स्वरूप क्या है? तो परमात्मा कहते बच्चे अनुभव वो अथॉरिटी है जो कि जिस चीज के हम अनुभवी बन जाते हैं वो चीज हमारे जीवन में हमारा एक जीवन जीने का हिस्सा बन जाता है, वो अपना हो जाता है। फिर हम उसको चाहे जिस रूप में, जिस समय, जिस कार्य में भी यूज कर सकते हैं, उस चीज के प्रति हमारी फुल अथॉरिटी होती है। तो इसलिए परमात्मा कहते बच्चे हर वरदान को पहले स्वयं वरदाता बाप से लेकर पहले स्वयं का वरदानी स्वरूप बनाओ, फिर अन्य आत्माओं को भी उस वरदान से फलीभूत करो। आगे बाबा ने कहा इस स्मृति स्वरूप को सदा इमर्ज रखो। किस स्मृति स्वरूप को सदा इमर्ज रखना है? तो अभी हमने सुना कि स्वयं भी वरदानों से संपन्न बनना है और अन्य आत्माओं को भी वरदानी मूरत बन वरदान दिलाने के निमित्त बनना है। तो बाबा ने कहा सदैव इस स्मृति को प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज करो कि परमात्मा से हमें लेना भी है और विश्व कल्याण की सेवा में अन्य आत्माओं के प्रति लगाना भी है। आगे बाबा की विशेष पॉइंट है कि ऐसे नहीं कि यह तो हूं ही, ऐसे नहीं कह सकते कि यह तो मैं हूं ही, शांत स्वरूप तो हूं ही, शक्ति स्वरूप तो हूं ही, सहन शक्ति तो मेरे अंदर बहुत है, सामना करने की शक्ति तो है ही। बाबा कहते ऐसे नहीं। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि यह तो हूं ही, लेकिन भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप को समय प्रमाण अनुभव करो कि अगर शांत स्वरूप हूं तो कैसे शांत स्वरूप हूं, क्योंकि शांति एक परमात्मा कहते ऐसी शांति का अनुभव नहीं कि जब हम अकेले हों तो शांति का अनुभव कर रहे हैं, तो वह तो ऑटोमेटिक ही वातावरण में शांति है तो आत्मा शांति का अनुभव कर रही है, लेकिन परमात्मा जिस शांति की बात करता है तो परमात्मा कहते बच्चे फील्ड में रहकर भी हर कार्य व्यवहार को निभाते हुए भी हर चीज के हानि या लाभ को फेस करते भी हम शांत स्वरूप आत्मा हैं, हम शक्ति स्वरूप आत्मा हैं, हमारे अंदर सामना करने की शक्ति है। तो बाबा कहते इसके अनुभवी स्वरूप बनो। केवल ये कहने से बाबा नहीं कहता कि सिर्फ हम ये कहें कि हूँ ही, ये तो है ही मेरे अंदर, बाबा कहता नहीं, हर गुण हर शक्ति के अनुभवी बनो, और सिर्फ अनुभवी नहीं बनो, अनुभव के अथॉरिटी स्वरूप बनो। फिर आगे बाबा ने पॉइंट्स को क्लियर किया। तो बाबा ने कहा लेकिन भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप को समय प्रमाण अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे, और सदैव दिल से प्राप्ति के गीत स्वतः ही अनहद शब्द के रूप में निकलता रहेगा। वो कौन सा गीत है? तो बाबा ने कहा पाना था सो पा लिया। जब बाबा ने कहा भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभवी बन जाएंगे तो दिल से सदैव कौन से गीत निकलेंगे? तो बाबा ने कहा अनहद गीत निकलेगा।
कौन सा अनहद गीत बाबा ने कहा आज? पाना था सो पा लिया। परमात्मा मिला, भगवान मिल गया, तो और कुछ चाहिए क्या? तो पाना था सो पा लिया, अब आत्मा को और किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा के बच्चे बने माना स्वतः ही सर्व प्राप्तियों से वो भरपूर कर रहा है। भक्ति में तो हम फिर भी हमें मांगने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन जब आज स्वयं हम भगवान के गोद के बच्चे बन गए, स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से ये श्रेष्ठ पवित्र ज्ञान सुनाकर हमारा ये पवित्र श्रेष्ठ जीवन बना दिया, तो परमात्मा कहते बच्चे अब हर चीज में मांगने की दरकार नहीं है, सिर्फ तुम श्रेष्ठ स्मृति के स्वरूप में रहो तो परमात्मा से वो श्रेष्ठ प्राप्ति का अनुभव निरंतर करते रहेंगे। आगे बाबा की महावाक्य हैं, इसी प्रकार भिन्न भिन्न समय और कर्म प्रमाण स्मृति स्वरूप का अनुभव करते चलो। जिसके लिए बाबा ने कहा जैसा समय जैसा कर्म वैसा स्वरूप, जिसमें आज बाबा ने विशेष अमृत वेले के समय को बच्चों के सामने रखा। फिर आगे बाबा ने सुनाया, मुरली सुनते हो तो यह स्मृति रहे कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ है हमारा, अर्थात भगवान का विद्यार्थी हूँ, स्वयं भगवान मेरे लिए परम धाम से पढ़ाने के लिए आए हैं। यही विशेष प्राप्ति है जो स्वयं भगवान आता है। अभी तक हम भक्ति में सोचते थे कि भगवान से हमें क्या प्राप्ति होगी, भगवान हमें क्या प्राप्ति कराता है, और परमात्मा क्या कह रहा है कि जब तुम मुरली सुनने के लिए बैठते हो तो अपने आप को किस स्वामान में स्थित करके बैठना है कि मैं भगवान का विद्यार्थी हूँ। स्वयं भगवान बाप परमात्मा परम धाम छोड़कर इस साकार दुनिया में हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आया है। सोचो उस परमात्मा बाप का हम बच्चों के प्रति कितना स्नेह है, जो अपना वो प्यारा परम धाम छोड़कर इस साकार दुनिया में इस साकार तन के माध्यम से हम बच्चों को रोज पढ़ाने के लिए आते हैं। तो बाबा कहते इससे विशेष प्राप्ति और क्या होगा जो स्वयं भगवान हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। तो बाबा कहते इसी स्मृति स्वरूप से जब मुरली सुनते हैं तो कितना नशा होता है। तो जब भी मुरली सुनने बैठे तो किस स्वरूप में बैठना है? हम भगवान के विद्यार्थी हैं, स्वयं भगवान टीचर के रूप में हम बच्चों को परम धाम से पढ़ाने के लिए आया है। तो धीरे धीरे हमारी वो स्मृति पक्की होती जाएगी। आगे बाबा के विशेष पॉइंट है, अगर साधारण रीति से नियम प्रमाण सुनाने वाला सुना रहा है और सुनने वाला सुन रहा है तो इतना नशा अनुभव नहीं होगा। सुनाने वाला ये सोचेगा कि हाँ ठीक है, ये तो रोज का हमारा कार्य है, रोज की हमारी सेवा है, ठीक है सुना देंगे। और सुनने वाले भी जो सामने बैठे हैं वो भी सोचते हैं ठीक है, रोज बाबा की मुरली आती है और हमें सुनने जाना ही है, सामने बैठे हैं सुन रहे हैं। तो बाबा कहते सिर्फ इतना स्मृति में रखने से वो नशा नहीं चढ़ेगा। नशा कब चढ़ता है? जब हम अपने को श्रेष्ठ स्वामान में स्थित करके परमात्मा के महावाक्य को सुनते हैं, तब हमें वो रूहानी नशा चढ़ता है। तो आगे बाबा ने सुनाया,
लेकिन भगवान के हम विद्यार्थी हैं। इस स्मृति को स्वरूप में लाकर फिर सुनो, तब अलौकिक नशे का अनुभव होगा। स्मृति स्वरूप भी कौन सा बाबा ने फिर से रिपीट किया कि भगवान का विद्यार्थी हूं। इस स्मृति स्वरूप में स्थित होकर जब परमात्मा के इस महावाक्य को हम सुनते हैं, तब हमें अलौकिक नशे का अनुभव होता है। अलौकिक नशा अर्थात वो रूहानी नशा, वो बेहद का नशा जो बेहद बाप आकर हम बच्चों को करा रहा है। आगे मुरली की विशेष पॉइंट है, सारे दिन में, यहाँ पे कट कर दीजिएगा, सारे दिन के हर कार्य में बाप के साथ स्मृति स्वरूप बनते चलो। अब सारे दिन में तो भिन्न भिन्न कार्य हम करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, सोने से ले कट करिएगा, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक भिन्न भिन्न कार्य क्षेत्र में हम कार्य को करते हैं। तो बाबा ने कहा सारे दिन के हर कर्म में बाप के साथ स्मृति स्वरूप बनते चलो, कभी भगवान का सखा व साथी रूप का, कभी जीवन साथी रूप का, कभी भगवान मेरा मुरब्बी बच्चा है, अर्थात पहला पहला हकदार पहला वारिस है। तो भिन्न भिन्न समय और बाबा ने भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप का अनुभव करने के लिए बाबा ने कहा कभी उसको सखा के रूप में अपने साथ रखो, कभी जीवन साथी के रूप में उसका अनुभव करो, और कभी बाबा ने क्या कहा, कभी उसको अपना मुरब्बी बच्चा, मुरब्बी बच्चा अर्थात सबसे स्नेही बच्चा, दिल के करीब रहने वाला बच्चा अनुभव करो। और ये सोचो कि भगवान हमारा पहला पहला वारिस है, क्योंकि घर में जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वारिस आ गया। तो अभी तक देहधारी बच्चों को हमने वारिस बनाया है, अब परमात्मा कहते बच्चे एक बार उस निराकार परमात्मा से सर्व संबंध जोड़कर उसको एक और विशेष संबंध अर्थात बच्चे के संबंध से वारिस बना कर देखो, तो कैसे तुम्हारी हर जिम्मेवारी को सहज रूप से पूरा करता है। जैसे भक्ति मार्ग में भी आपने सुना होगा कि मीरा ने भी भगवान से कौन सा संबंध जोड़ा था, प्रियतम का संबंध जोड़ा था, और उसी जगह सुदामा ने परमात्मा से कौन सा संबंध जोड़ा था, दोस्त का संबंध जोड़ा था। तो आज दुनिया में भी एक देहधारी से हमारा एक ही संबंध हो सकता है, लेकिन परमात्मा जो विदेही है, विचित्र है, निराकार है, उससे हम सर्व संबंधों का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वो विदेही है और विचित्र है। तो परमात्मा ने कहा कोई ऐसा बहुत सुंदर और बहुत लायक बच्चा होता है तो माँ बाप को कितना नशा रहता है कि मेरा बच्चा कुल दीपक है, वह कुल का नाम बाला करने वाला है, जिसका भगवान बच्चा बन जाए उसका नाम कितना बाला होगा, उसके कितने कुल का कल्याण होगा। सोचो एक देहधारी बच्चे के प्रति माँ बाप को कितना नशा चढ़ जाता है यदि वो लायक निकल जाता है। ऐसे परमात्मा कहते बच्चे यदि भगवान को तुम अपना वारिस बना लो, भगवान को अपना बच्चा स्वीकार कर लो, तो सोचो वो तुम्हारे कितने कुल का नाम बाला कर सकता है, तुम्हारे कितने कुल का कल्याण कर सकता है,
जितना वो देहधारी बच्चा भी नहीं कर सकता। वो तो एक जन्म करेगा, करके कुछ समय करेगा, लेकिन परमात्मा जन्म जन्म का हमारा साथी है। जन्म जन्म हम आत्माओं को साथ निभाने के लिए बंधा हुआ है। तो बाबा कहते इसका इतना नशा होना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए कि कौन हमारा बच्चा बना है। आगे बाबा ने सुनाया, जब कभी दुनिया के वातावरण से या भिन्न भिन्न समस्याओं से थोड़ा भी अपने को अकेला उदास अनुभव करो तो सुंदर बच्चे रूप से खेलो, सखा रूप में खेलो। क्योंकि आज दुनिया में क्या है, संबंध तो बहुत हैं देह रूप में, लेकिन बाबा कहते आज सब संबंधों के बीच में रहते हुए भी कहीं ना कहीं हम वातावरण ऐसा हो जाता है, कहीं ना कहीं वायुमंडल का प्रभाव ऐसा होता है कि सबके बीच रहते हुए भी हम अपने आप को अकेला अनुभव करते हैं। अब संबंध सब है हमारे सामने, लेकिन उस संबंध का हम आनंद नहीं ले पाते। तो परमात्मा कहते बच्चे ऐसे समय पर उस सच्चे सच्चे परमात्मा से अपना सच्चा सच्चा संबंध जोड़ो और उस संबंध का आनंद लो। तो संबंध में बाबा ने आज क्या कहा, कभी सखा के रूप में खेलो, कभी सुंदर बच्चे के रूप में खेलो उसके साथ। क्योंकि बच्चे कैसे होते, निश्चल होते हैं, निस्वार्थ होते हैं, पवित्र होते हैं, बिल्कुल इनोसेंट होते हैं। इसलिए देखो छोटा बच्चा कैसा भी होता है, अगर वो एक परिवार के बीच में है तो सबका ध्यान उसके तरफ जाता है, सब उसके तरफ आकर्षित होते हैं। तो ऐसे यदि परमात्मा को हम अपना बच्चा बना ले, उसके साथ रहने का, उसके साथ चलने का यदि हम अभ्यास करें तो हमारा जीवन बहुत सुखमय और खुशहाल बन सकता है। क्योंकि परमात्मा हम बच्चों के जीवन को खुशियों से भरपूर करने के लिए आया है, क्योंकि वह हमारा मात पिता है ना। तो मात पिता कभी अपने बच्चों को उदास नहीं देख सकते, कभी निराश नहीं देख सकते। जैसे लौकिक दुनिया में भी कोई माँ बाप अपने बच्चों को कभी उदास देख सकते हैं, कभी उनके चेहरे पर उदासी आए ये पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। कैसे भी करके सोचते हैं कि हम इसके उदासी को, इसके गम को दूर करें, जो भी समस्याएं हैं हम जल्दी इससे इसको बाहर निकालें। तो परमात्मा भी तो हमारा मात पिता है और हम उसके बच्चे हैं, तो वो कैसे हमें उदास देख सकता है, वो कैसे हमें निराश देख सकता है। तो इसलिए परमात्मा ने कहा, जब भी निराश होते हो, उदास होते हो, तो मुझे इन संबंधों से याद करके उस संबंध के साथ आनंद का अनुभव करो। आगे बाबा ने सुनाया, अब सारे दिन की दिनचर्या में हमने क्या क्या पूरा किया, अमृत वेले का समय पूरा किया, ज्ञान मुरली को सुने, फिर अन्य संबंध से उसके साथ रहकर कार्य किया। अब बाबा कहते कभी थक जाते हो तो माँ के रूप में गोदी में सो जाओ, समा जाओ। अब सारे दिन के कार्य व्यवहार को करते करते आत्मा शरीर के साथ क्या हो गई, थक गई। अब जब वो थक गई तो उसको क्या चाहिए, जैसे एक छोटा बच्चा भी होता है ना, सारा दिन खेलते खेलते जब थक जाता है तो क्या कहता है, अब मुझे सोना है। तो माँ कितने प्यार से उसको थपकी देकर अपने गोद में सुला लेती है। तो ऐसे परमात्मा भी कहता है बच्चे, सारे दिन के कार्य व्यवहार को निभाते हुए यदि तुम थक जाते हो तो किसके गोद में सो जाओ, परमात्मा की गोद में सो जाओ। अब परमात्मा पिता है,
तो परमात्मा पिता ने हम बच्चों को किसके माध्यम से अडॉप्ट किया है? ब्रह्मा के द्वारा। तो ब्रह्मा कौन है? तो कहते शिव पिता है और ब्रह्मा माँ है। तो परमात्मा कहते बच्चे ब्रह्मा माँ की गोदी में सो जाओ, उस परमात्मा की याद में समा जाओ। समा जाना अर्थात खो जाना, निश्चिंत हो जाना। तो बाबा ने कहा कभी दिल सिकस्त हो जाते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप का अनुभव करो, क्योंकि परमात्मा कौन है? सर्वशक्तिवान है। और परमात्मा के हम आत्माई बच्चे कौन हैं? तो परमात्मा कहते तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं हो। और मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे कभी दिल सिकस्त नहीं हो सकते, कभी कमजोर नहीं हो सकते, कोई भी कमजोरी उसको टच नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी कहते हो जाता है, क्या करें, कोई ना कोई कमजोर संकल्प आ जाता है, कहीं ना कहीं हम अंदर से निर्भय नहीं हो पाते हैं। तो बाबा कहते इसका मतलब हम मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वामान की सीट पर सेट नहीं हैं। यदि हम सीट पर सेट होंगे और उसकी शक्ति हमें अनुभव ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सीट की भी अपनी एक पावर होती है ना। जैसे कोई भी राजा अपनी सीट पर बैठा होता है तो क्या होता है, उसके अंदर एक शक्ति होती है। तो ऐसे परमात्मा भी कहते सदैव अपने श्रेष्ठ स्वामान की सीट पर सेट रहो, तो कभी भी स्वयं को कमजोर या दिल सिकस्त अनुभव नहीं करेंगे। दिल सिकस्त से क्या हो जाएंगे? दिल खुश हो जाएंगे। जो अभी तक कहते थे हम दिल सिकस्त हो गए, हमें ये कमजोरी टच कर रही है, हमारे ये कमजोर संकल्प आ रहे हैं, तो बाबा कहते दिल सिकस्त से क्या बन जाएंगे? दिल खुश बन जाएंगे। आगे बाबा ने सुनाया भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न संबंध से भिन्न भिन्न अपने स्वरूप के स्मृति को इमर्ज करो, तो बाप का सदा साथ स्वतः ही अनुभव करेंगे और यह संगम युग की ब्राह्मण जीवन सदा ही अमूल्य जीवन अनुभव होती रहेगी। भिन्न भिन्न समय और भिन्न भिन्न परमात्मा से संबंध की अनुभूति। तो बाबा कहते जितना इसका अभ्यास हम करेंगे, जितना हम इसके अभ्यासी बनते जाएंगे, तो बाबा ने कहा तुम्हारा ये ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन बनता जाएगा। आगे बाबा की विशेष पॉइंट है इतने सर्व संबंध निभाने में इतने बिजी रहेंगे जो माया को आने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। अब सुबह से रात तक के लिए तो बाबा ने सर्व संबंध बता ही दिए, कभी पिता के रूप में, कभी वरदाता के रूप में, कभी शिक्षक के रूप में, कभी सतगुरु के रूप में, कभी सखा के रूप में। तो जब इतने सारे संबंध एक परमात्मा बाप से जुड़ गया और जो सारे दिन भर की दिनचर्या में हमको उसके साथ चलना ही है, निभाना है, तो बाबा कहते सोचो कितनी बिजी हो जाएंगे। तो बाबा कहते इतने बिजी हो जाएंगे जो माया को आने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। जैसे आप किसी भी कार्य में जब बहुत व्यस्त होते हैं तो कोई मिलने वाला भी आता है तो देखता है ये तो बहुत बिजी है, तो क्या कह देते, अच्छा आप बहुत व्यस्त हैं इस समय, आप कार्य कर रहे हैं, हम फिर आ जाएंगे। तो बाबा भी कहते ऐसे माया भी है, माया भी जब देखती है कि हम बिजी हैं तो माया को भी आने का चांस नहीं मिलता है, क्योंकि माया भी कब आती है,
जब हम खाली होते हैं। इसलिए दुनिया में भी कहते खाली मन शैतान का घर। तो इसलिए बाबा कहते अपने मन और बुद्धि को परमात्मा के भिन्न भिन्न संबंधों को निभाने में इतना बिजी कर दो जो माया को आने का मार्जिन ही ना रहे। तो बाबा ने कहा जैसे लौकिक बड़ी प्रवृत्ति वाले सदैव यही कहते हैं कि प्रवृत्ति को संभालने में इतने बिजी रहते हैं जो और कोई बात याद ही नहीं रहती, क्योंकि बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। तो बाबा कहते लौकिक दुनिया में भी लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, हमारे इतने संबंध हैं जिसको निभाने में हमें कुछ और याद रहता ही नहीं है कि हमें और कुछ करना है, कुछ सोचना है। सारा दिन उनके ही कार्य व्यवहार में हम व्यस्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते क्यों कोई और याद नहीं आता? कभी कभी कुछ जरूरी भी बातें होती वो भी विस्मृति हो जाती है। क्यों? क्योंकि बिजी थे। तो ऐसे बाबा भी कहते बच्चे आपको भी बिजी रहना है परमात्मा की याद में और परमात्मा के भिन्न भिन्न संबंधों को अपने जीवन में अनुभव करने में। तो जितना बिजी रहेंगे बाबा कहते उतना ही माया की तरफ से इजी रहेंगे। तो आगे बाबा ने सुनाया तो आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रभु से प्रीत निभाने की प्रभु प्रवृत्ति कितनी बड़ी हो गई है। आपकी प्रभु प्रीत की प्रवृत्ति सोते हुए भी चलती है। अब दिन भर तो चली, सुबह से लास्ट के रात के समय पर आ गए, लेकिन बाबा कहते ये तुम्हारी जो प्रभु प्रीत की प्रवृत्ति है अर्थात जो संबंध है, बाबा कहते ये सोते हुए भी चलती है। अब सोते हुए कैसे चलती है? तो बाबा ने सुनाया अगर योग निद्रा में हो तो आपकी निद्रा नहीं लेकिन योग निद्रा है। सोते हुए भी बाबा कहते तुम्हारी प्रवृत्ति है, इसको कट करिएगा। तो बाबा ने कहा अगर योग निद्रा में हो तो आपकी निद्रा नहीं लेकिन योग निद्रा है। अब इसको बाबा योग निद्रा क्यों कहते हैं? तो बाबा का सोते हुए भी परमात्मा की याद में सोना है, परमात्मा से गुड नाइट करके सोना है, परमात्मा के साथ सोना है। तो परमात्मा की याद में सोना अर्थात योग निद्रा में सोना है। आगे बाबा ने सुनाया नींद में भी प्रभु मिलन मना सकते हो, क्योंकि योग का अर्थ ही है मिलन। योग नींद में भी बाबा क्या कह रहे हैं? प्रभु से मिलन मना सकते हो। कैसे मना सकते हैं? जब हम अपने को उस स्वामान में स्थित करके सोते हैं कि हम बाबा की गोद में सो रहे हैं, बाबा हमारा मात पिता है और हम मात पिता की गोद में सो रहे हैं, माँ की गोद में सो रहे हैं। तो बाबा कहते यही श्रेष्ठ स्वामान में सोएंगे तो बाबा कहते तो स्वतः ही योग की वो स्थिति बन जाती है। तो बाबा का योग का अर्थ ही है मिलन। मिलन अर्थात आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन, योग अर्थात जोड़, योग अर्थात एक प्लस पॉइंट परम आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन। तो बाबन का योग निद्रा अर्थात अशरीरीपन की अनुभूति। योग निद्रा अर्थात बाबा ने क्या स्पष्ट किया? अशरीरीपन की स्थिति। जबकि बाबा कहते बच्चे जब तुम सोते हो तो आत्मा कुछ पल के लिए इस देह की स्मृति से विस्मृत हो जाती है अर्थात अशरीरीपन की स्थिति हो जाती है। तो यह भी प्रभु प्रति है ना? तो आप जैसे बड़े ते बड़ी प्रवृत्ति किसकी भी नहीं है, एक सेकंड भी आपको फुर्सत नहीं है।
तो बाबा कहते इतनी बड़ी तुम्हारी परमात्मा के साथ जो प्रवृत्ति जुड़ गई है, तो बाबा कहते इतनी बड़ी प्रवृत्ति तो सारे संसार में और किसी की होगी ही नहीं। आगे बाबा ने सुनाया, आप स्मृति स्वरूप बनते हो तो आपको सेकंड भी फुर्सत है, कितनी बड़ी प्रवृत्ति है। तो बाबा ने कहा सिर्फ स्मृति स्वरूप रहो तो एक सेकंड भी आपका व्यर्थ नहीं जा सकता। आगे बाबा की विशेष पॉइंट है, इसी प्रवृत्ति के आगे वह छोटी सी प्रवृत्ति आकर्षित नहीं करेगी और सहज स्वतः ही देह सहित देह के सब संबंध और देह के पदार्थ व प्राप्तियों से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। जब सारे दिन इतनी बड़ी प्रवृत्ति बेहद बाप के संबंध के साथ इतनी बड़ी प्रवृत्ति का आनंद लेने में बिजी हो जाएंगे, उसके साथ हर कार्य करने में व्यस्त हो जाएंगे, तो बाबा कहते जो देह और देह से संबंधित जो आपकी प्रवृत्ति है, तो बाबा कहते वो प्रवृत्ति भी स्मृति में नहीं रहेगी। और आत्मा की कौन सी स्टेज बन जाएगी, तो बाबा ने कहा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप की स्टेज बन जाएगी। क्योंकि बाबा ने पहले भी महावाक्यों में सुनाया था कि इस ईश्वरीय ज्ञान का पहला पाठ ही क्या है कि मैं कौन हूँ। सबसे पहला पाठ बाबा हम बच्चों के सामने कौन सा रखता है कि मैं कौन हूँ, और लास्ट के बाबा ने समय के लिए कौन सा मंत्र दिया है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। क्योंकि बाबा कहते हैं जी लास्ट के समय में मन बुद्धि कहीं भी किसी में भी यदि थोड़ा भी फंसी रहेगी, तो बाबा ने कई बार सुनाया है कि बचे अंत मति सो गति फिर वैसी ही होगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने आप को देह देह के संबंध और देह के पदार्थ के बीच में चलते चलाते हुए स्वयं को किस स्मृति में रखना है, मैं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। यही लास्ट पेपर माला के नंबरवार मड़के बन जाएंगे। बाबा कहते यही लास्ट का पेपर है, फर्स्ट पेपर मैं कौन हूँ और लास्ट पेपर बाबा ने क्या उनसा क्लियर कराया, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। फिर आगे बाबा ने सुनाया, जब अमृत वेले से योग निद्रा तक भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभवी हो जाएंगे, बहुत काल के स्मृति स्वरूप का अनुभव अंत में स्मृति स्वरूप के क्वेश्चन में पास विद ऑनर बना देगा। हाँ, बाबा कहता हर पुरुषार्थ के लिए बाबा क्या कहते, बहुत काल का अभ्यास। क्यों बाबा बहुत काल का अभ्यास कहता है, क्योंकि बाबा कहते जैसा पेपर होगा उस अनुसार बाबा कहते उसकी तैयारी भी पहले से करनी पड़ती है। जैसे एक बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है तो पढ़ाई भी उसकी कैसी चलती है, वो ये नहीं कहता है कि हाँ जब पेपर आएगा तो पढ़ लेंगे, नहीं, रोज स्कूल जाता है, रोज स्कूल के होमवर्क करता है, रोज अपनी पढ़ाई को ध्यान से पढ़ता है और बीच बीच में टेस्ट पेपर भी देते रहता है। तो ऐसे परमात्मा भी कहते बच्चे लास्ट समय में पास विद ऑनर बनने के लिए तुम्हें भी बहुत काल के अभ्यास की जरूरत है। अब ये कहे नहीं हम अंत में कर लेंगे हो जाएगा, तो बाबा कहते फिर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बाबन का वो पेपर ऐसा होगा जिसमें आपको पहले से पुरुषार्थ करने की जरूरत है ही। आगे बाबा ने सुनाया कि रमणीक जीवन का अनुभव करने के लिए जीवन में हर एक मनुष्य आत्मा को क्या पसंद है कि कुछ वैरायटी हो,
क्योंकि रमणीकता आती ही कैसे है, कहेंगे फलानी व्यक्ति बड़े रमणीक हैं। क्यों रमणीक हैं? क्योंकि उनके अंदर कई एक संस्कारों में भिन्नता दिखाई देती है, हाँ, और वही भिन्नता क्या है, कहेंगे इनके अंदर बहुत रमणीकता है, हर कार्य के प्रति बहुत रमणीक हैं। तो बाबा कहते आज हर आत्मा को भी क्या पसंद है, हाँ, कहीं ना कहीं भिन्नता, एक ही चीज एक ही स्वरूप नहीं, बाबा कहते भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न स्मृति, तो रमणीकता का अनुभव कर सकेंगे। तो यह सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप की वैरायटी अनुभव करो। आगे प्यारे बाबा ने सुनाया, जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना, बाप तो चाहिए लेकिन बाप के साथ जीवन साथी का भी अनुभव ना हो तो भी जीवन अधूरा समझते हैं, बच्चा ना हो तो भी अधूरी जीवन समझते हैं, हर संबंध को ही संपन्न जीवन समझते हैं। तो बाबा कहते कोई भी एक संबंध यदि जीवन में नहीं होगा तो जीवन में उस संबंध की कमी का अनुभव होता है। माता पिता हैं, अब माता पिता तो हैं ही, लेकिन जब वो अपनी आयु पर पहुंचता है तो दुनिया के और लोगों को अपने हम जिन्स को देखता है तो सोचता है हमें भी ऐसा जीवन चाहिए, अर्थात हमें भी जीवन साथी चाहिए। अब जीवन साथी मिल गया तो अब उसको भी एक वारिस चाहिए, बच्चा चाहिए। जब औरों के बच्चों को देखेगा तो अंदर संकल्प क्रिएट करेगा हमें भी चाहिए। तो बाबा कहते क्योंकि जीवन अर्थात सर्व संबंध से प्राप्ति जीवन का आज हर एक को उम्मीद रहती है कि हमें भी सब कुछ मिलना चाहिए, तभी सर्व प्राप्ति स्वरूप बन सकेंगे। आगे बाबा ने सुनाया, तो यह ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है, एक भी संबंध की कमी नहीं करना। क्यों बाबा कहता है एक भी संबंध की कमी नहीं करना? क्योंकि बाबा ने और भी बार बच्चों को सुनाया है, यदि एक भी कमी की तो फिर वही संबंध दूसरे रूप से आत्मा को खींचता है, उसी संबंध की कमी फिर हमको देह रूप के संबंध में खींचकर ले जाती है। इसलिए परमात्मा से जब तक सर्व संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक कहीं ना कहीं बाहर की दुनिया में हम उस संबंध को पाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, एक संबंध भी भगवान से कम होगा तो कोई आत्मा उस संबंध से अपनी तरफ खींच लेगी, लेकिन परमात्मा के संबंध के बीच में कोई छोटा सा हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो जाता है तो सर्व शब्द समाप्त हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई तो मिक्स हो गया ना, चाहे छोटा या बाबा कहते हल्का, चाहे थोड़े समय का संबंध, चाहे बाबा कहते कैसा भी संबंध, अगर थोड़ा भी मिक्स हो गया तो बाबा कहते जो कहते हो ना परमात्मा से सर्व संबंध का अनुभव करना है, तो बाबा कहते वो सर्व संबंध उसके बीच से निकल जाता है और यथाशक्ति के लाइन में आ जाते हैं। कहेंगे जितनी हमारी यथाशक्ति है, सर्व शब्द समाप्त किस लाइन में आ गए, यथाशक्ति के लाइन में। तो आगे बाबा ने कहा, ब्राह्मणों की भाषा में हर बात में सर्व शब्द आता है, जहां सर्व है वहां ही संपन्नता है। सर्व शब्द किसका सूचक है? समानता का। सर्व शब्द का अर्थ ही है संपन्न, अर्थात संपन्नता। अगर दो कला भी कम हो गई तो दूसरी माला के मड़के बन जाते हैं। इसलिए सर्व संबंधों के सर्व स्मृति स्वरूप बनो। कहते ना सत्युग में हम क्या थे, 16 कला संपूर्ण थे,
और त्रेता युग में आए तो दो कला कम हो गई। ऐसे बाबा कहते, यदि एक भी संबंध की कमी रह गई और उसका हम इस ब्राह्मण जीवन में अनुभव नहीं कर पाएंगे, तो बाबा कहते फिर सर्व संबंध के स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते। जब भगवान खुद सर्व संबंध का अनुभव कराने की ऑफर कर रहा है तो ऑफरिंग लेना चाहिए ना। जबकि आपने कहा भी नहीं है कि भगवान इन इन संबंधों से हमें साथ दो, हमारा साथ निभाओ। आपने तो सिर्फ गाया है, उसका गायन किया है, लेकिन आपने कभी इच्छा नहीं रखी। और आज भगवान स्वयं आकर खुद आपके सामने अपने सर्व संबंध को ऑफर के रूप में रख रहा है, तो बाबा कहते बच्चे उसकी आफरीन तो लेनी चाहिए ना। जब देने वाला दे रहा है, दिल से दे रहा है, हक से दे रहा है, तो बाबा कहते फिर लेने में कमी क्यों। ऐसी गोल्डन ऑफर सिवाय भगवान के और इस समय के ना कभी और है ना कोई करा सकता है। इसको कौन सा चांस कह रहा है बाबा? गोल्डन चांस कहता है कि ऐसा गोल्डन चांस जो स्वयं भगवान हमें अपने सर्व संबंधों के लिए ऑफर कर रहा है, बाबा कहता है ऐसा ना कभी कोई करा सकता है और ना कर सकता है। कोई बाप भी बने और बच्चा भी बने, यह हो सकता है क्या? कहेंगे मैं तुम्हारा बाप भी हूं और बच्चा भी हूं, तो बाबा कहते ये कभी हो सकता है? कभी सुना है लौकिक दुनिया में कि कोई कहे, बाप कहे मैं तुम्हारा बाप भी हूं, फिर थोड़ी देर के बाद क्या कहे, मैं तुम्हारा बच्चा भी हूं? तो बाबा कहते नहीं, ये परमात्मा ही एक ऐसा निरहंकारी है और अपने बच्चों को सर्व संबंधों से भरपूर करने के लिए कहता है बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूं और तुम्हारा बच्चा भी हूं। यह एक की ही महिमा है, एक की ही महानता है, इसलिए सर्व संबंध से स्मृति स्वरूप बनना है। इसमें मजा है ना। ब्राह्मण जीवन किस लिए है? तो बाबा ने कहा मजे और मौज में रहने के लिए। तो यह अलौकिक मौज मनाओ, मजे की जीवन का अनुभव करो। ये अलौकिक मौज अर्थात रूहानी मौज, जब आत्मा परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़कर एक सूक्ष्म खुशी, एक आनंद, एक उसके प्यार में खो जाती है, उसके साथ मौज का अनुभव करती है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, संगम युग पर एक का 100 गुणा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। क्या वरदान दे रहा है बाबा? संगम युग पर एक का 100 गुणा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। स्पष्ट किया बाबा ने, संगम युग ही एक का 100 गुणा प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सिर्फ एक बार संकल्प किया कि मैं बाप का हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो माया जीत बनने का, विजयी बनने का नशे का अनुभव होता है। श्रेष्ठ संकल्प करना यही है बीज। संकल्प ही हमारा क्या है? बीज है। और बाबा कहते एक बार जैसा संकल्प हम करते हैं, और संकल्प भी नहीं, बाबा कहते श्रेष्ठ संकल्प, तो उसका प्रत्यक्ष फल जरूर मिलता है। प्रत्यक्ष फल अर्थात कर्म किया और तुरंत उसका हमें अनुभव होता है। जैसे कोई भी अच्छा कार्य हम करते हैं, कोई भूखा है उसको भोजन करा दिया, कोई प्यासा आया उसको पानी पिला दिया, कोई दुखी आया उसके चेहरे पर हमने खुशी ला दी,
तो लाए उसके लिए, किया उसको, लेकिन खुशी किसको हो रही है? उससे ज़्यादा हमें हो रही है कि भगवान ने हमें इस लायक बनाया जो हम ये कर सके। तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। तो बाबा ने कहा उसका सबसे बड़ा फल है जो स्वयं परमात्मा बाप भी साकार मनुष्य रूप से मिलने आता है। इस फल में सब फल आ जाते हैं। जब बाप मिला तो सब कुछ मिल गया, पाना था सो पा लिया। तो बाबा कहते इस एक फल में सारे फल आ जाते हैं। आज का स्लोगन है, सच्चे ब्राह्मण वह हैं जिनकी सूरत और सीरत से प्योरिटी की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी का अनुभव हो। क्या स्लोगन बाबा ने दिया? सच्चे ब्राह्मण वह हैं जिनकी सूरत और सीरत से प्योरिटी की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी का अनुभव हो। कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है तो उसकी सूरत से, उसकी पहरवाई से, हर चीज़ से क्या पता चलता है? कहेंगे रॉयल परिवार का है। तो ऐसे बाबा कहते आपका भी जीवन क्या बन जाए, हाँ बाबन का आपका जीवन भी कैसा हो जो आपकी सूरत से और सीरत से प्योरिटी की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी का अनुभव हो। क्योंकि आप किसके बच्चे बने हो? स्वयं भगवान के बच्चे हो, स्वयं पवित्रता के सागर बाप के बच्चे हो। तो बाबा कहते वो प्योरिटी की झलक आपके सूरत से दिखाई दे, आपके व्यक्तित्व से दिखाई दे। तो ये थे आज परमात्मा के अव्यक्त महावाक्य की कुछ अव्यक्त पॉइंट्स। अच्छा, ओम शांति।